तो फ्रेंड्स, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल विकीसना ब्लॉग्स में। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं टाटा टिगोर और टाटा टियागो के बारे में। तो टाटा ने एक चीज अनाउंस कर दिया है जो कि इंडिया की फर्स्ट कार होने वाली है, वो भी सीएनजी में। आज तक किसी ने भी नहीं ये चीज अवेल करवाया या फिर आप कह सकते हो इनोवेट करा, जो भी आप कह सकते हो। मतलब मारुति बादशाह कहलाती है सीएनजी में, उसने भी आज तक ये चीज नहीं सोचा। बट वो चीज टाटा ने सोच लिया। तो टाटा टिगोर और टाटा जो अपनी टियागो है, उन दोनों में ही सीएनजी वेरिएंट में अब आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। तो अगर मैं इसकी बात करूं, टाटा टिगोर है वो भी टाटा ने जो है वो अनाउंस कर दी गई है, और ये इंडिया की फर्स्ट एवर सीएनजी कार होने वाली, वो भी ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ। जो कि अगर मैं बात करूं, जो टाटा ने इसमें भी बताया है कि ये डायरेक्ट ही सीएनजी पे स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अपनी पेट्रोल वाली जो सीएनजी है या फिर टाटा की और भी जो मैनुअल में आती है सीएनजी वेरिएंट, वो जैसे डायरेक्ट सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही ये ऑटोमेटिक वेरिएंट भी आपको डायरेक्ट ही सीएनजी पे स्टार्ट हो जाएगी। अगला पॉइंट है जो कि अगर मैं वेरिएंट की बात कर लूं, तो टियागो में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे सीएनजी ऑटोमेटिक में। एक होगा आपका एक्सजी ए सीएनजी, दूसरा होगा एक्सजेड ए प्लस सीएनजी और तीसरा होगा एक्सजेड ए एनआरजी, जो इनका एनआरजी वाला जो स्पोर्टी वाला फंक्शन आता है। अगला अगर मैं टिगोर वेरिएंट की बात करूं, तो इसके आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक में दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको अवेल होगा, एक्सजेड ए सीएनजी और दूसरा होगा एक्सजेड ए प्लस सीएनजी में। ये आपको वही टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, टू सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, वही सेटअप आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको पेट्रोल या फिर आप कह सकते हो कि मैनुअल जो सीएनजी आती ऑटोमेटिक का जो गियर बॉक्स अभी तक नहीं आया था, उसमें ही आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं अगले पॉइंट की बात कर लूं, तो अगर थोड़ा अगर पावर और इंजन की बात करूं, तो ये आपको 1.2 लीटर थ्री सिलेंडर का ही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 72 बीएचपी की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो प्राइस वही 60 से 70 हजार रुपए का फर्क पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा अगर मतलब ये प्राइस पॉइंट कैसा है, तो ये प्राइस पॉइंट अगर आप मैनुअल में आप देखोगे, जो टाटा की टियागो और टिगोर जो आती है सीएनजी में, या फिर आप कह सकते हो कि पेट्रोल में जो मैनुअल आते हैं और उसका ऑटोमेटिक का लगभग इतना ही फर्क पड़ रहा है 60 से 70 हजार के बीच का, तो वही एक थोड़ा सा लॉजिकली लगा सकते हैं कि हाँ जी इसका भी उतना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई कि, और ये टाटा के पास ये टेक्निक कैसे आई, क्योंकि जो जब से टाटा ने अपनी सीएनजी पंच में निकाली और अल्टोज में निकाली, तो टिगोर और टियागो की जो सेल है वो काफी डाउन चली गई थी। इस वजह से टाटा ने इसको ऑटोमेटिक वेरिएंट में इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इसकी जो सेल है वो थोड़ी इंप्रूवमेंट हो पाए। तो ये थी मेरी कुछ वीडियो। वीडियो अगर कैसी लगी हो प्लीज कमेंट में जरूर बताए, और वीडियो को लाइक करना भूले, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।